बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीरे आज़म का हल्फ उठाने वाले अब्दुल कयूम नियाज़ी के हवाले से दिलचस्प इंकशाफ हो गया है। बताया गया है कि कुछ अरसा कबल तक वज़ीरे आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीरे आज़म अब्दुल कयूम नियाज़ी को जानते तक न थे। इमरान खान की अब्दुल कयूम नियाज़ी से मुतल्लिक की गई गुफ्तगू की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खास वायरल हो रही है। वीडियो कुछ अरसा कबल आज़ाद कश्मीर में हुए एक जलसे की है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान अब्दुल कयूम नियाज़ी का नाम पढ़कर हैरान रह गए और कहा कि ये नियाज़ी यहाँ कैसे आ गया। ये सवाल करने के साथ ही वज़ीर आज़म ने मजाक के अंदाज में मजीद कहा कि वैसे हम नियाज़ी हर जगह फैल गए हैं। नाज़रीन, ये वीडियो आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं। अब्दुल कयूम नियाज़ी, नियाज़ी हम कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए। तो नाज़रीन, वीडियो में देखा जा सकता है कि इमरान खान अब्दुल कयूम नियाज़ी को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। दूसरी जानेब वज़ीर आज़म इमरान खान के मावने खसूसी व सियासी रवाबित शहबाज गुल ने समाजी रबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में वजाहत की है कि कुछ लोग नियाज़ी साहब के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होने पर कौमियत पर मबनी तबसरात करके अपनी खुफगी मिटा रहे हैं। ऐसे नासर की इतला के लिए अर्ज है कि अब्दुल कयूम साहब कौमियत के अतबार से नियाज़ी नहीं हैं, बल्कि नियाज़ी उनका शायरी का तखल्लुस है। वाजिया रहे कि अब्दुल कयूम नियाज़ी बुध के रोज़ आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। बुध के रोज़ नौ मुंतखब स्पीकर चौधरी अनवारुल हक की सदारत में आज़ाद कश्मीर कानून साजी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। तहरीक इंसाफ के अब्दुल कयूम नियाज़ी ने वजारत उज़्मा के लिए 33 वोट हासिल किए और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।